जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बुक ऑफ बहरिया, और मैं हूँ मियां आमिर। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बहरिया टाउन कराची का जो केस रीओपन हुआ है यार, एक तो केस जो है वो बता के ना हमारी भी बस हो गई है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार केस के बाद बहरिया टाउन कराची जो है वो खाली होना शुरू हो गया है, तो आपको दिखाते हैं कि कितना खाली हो गया बहरिया टाउन। और अभी मैं जा रहा हूँ प्रिसेंट टेन ने विलाज का आपको एक मैं स्ट्रीट टूर दे दूंगा, और उसके बाद मैं आपको जो कीमतों में फ्लक्चुएशन आई है केस के बाद वो भी बता दूंगा प्रिसेंट टेन ने की। और उसके बाद जो है आपको एक मैं विला का इनसाइड टूर भी दे दूंगा, जो कि मेरे पास जो है वो फार रेंट अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए हो तो बेहतरीन लोकेशन है, बेहतरीन विला है, आप लोग मुझसे रابطہ कर सकते हैं अगर रेंट पे आप लोगों ने लेना हो। उसी विला का अंदर से मैं आपको अभी छोटा सा टूर भी दे दूंगा। वैसे तो एक कंप्लीट टूर ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे दिया हुआ है, लेकिन ये जबकि रेंट पे मैंने विला देना है तो इसलिए ये आपको अंदर से दिखा दूँगा, और थोड़ा सा घूम फिर के स्ट्रीट टूर भी आप लोगों को दे दूँगा कि वाकई बहरिया खाली हो रहा है या बस ऐसे अफवाहें हैं लोग फैला रहे इधर उधर। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू सो मच। तो चलते हैं, अभी मैं बहरिया हाइट्स को क्रॉस कर रहा हूँ, और आप लोगों को यहाँ पे भी मैं दिखाता हूँ कि कितनी फैमिली शिफ्ट हो चुकी हैं, दो तीन टावर्स को पोजीशन मिल चुका है। ज़रा इधर भी अंदर चलते हैं और आप लोगों को थोड़ा सा दिखाते हैं कि क्या वाकई ये भी खाली हो रहा है कि नहीं। जी तो नाजरीन, यहाँ से मैं थोड़ा सा इंटर होता हूँ बहरिया हाइट्स की तरफ, ठीक है। ये सामने टावर ए नज़र आ रहा है आपको, और नीचे कमर्शियल एक्टिविटी भी है, सामने डिपार्टमेंटल स्टोर खुला हुआ है, और पार्किंग वगैरह में आपको लोगों की चहल पहल नज़र आ रही है, पार्किंग भी गाड़ियों की नज़र आ रही है, ठीक है। और ये सारा बहरिया हाइट्स है, और मेरी राइट साइड पे आप देख सकते हैं ये टावर एच है, टावर एच के नीचे भी भाई साहब पार्किंग है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और टावर जी है सामने, उसके आगे टावर जी के नीचे भी पार्किंग है, टावर जी को भी पोजीशन मिल चुका है, और इधर ये टावर बी है, टावर बी को भी पोजीशन अभी सुनने में आ रहा है कि दे दिया गया है। तो ये है जी बहरिया हाइट्स, अभी थोड़ा सा ये अच्छा, ये इसका सेंट्रल पार्क है, ये सेंट्रल वाला पार्क है जो कि बहुत बड़ा है और ख़ूबसूरत है। तो अभी थोड़ा सा ये वाली पार्क, इसकी ये जो चुरंगी है ये घूमते हैं। तो ये बहरिया हाइट्स में माहौल चेक करें, अभी सिर्फ तीन टावर को पोजीशन मिला है, तो आप रश चेक करें, और फैमिली वगैरह यहाँ पे भी शिफ्ट हो रही है। ये टावर जी है, इसके नीचे भी पार्किंग देखें। अच्छा आइडिया होता है पार्किंग से, ठीक है, कि लोग कितने रह रहे हैं, कितनी फैमिलीज रह रही हैं। ये आगे टावर एच है, ये इसके भी नीचे कमर्शियल दुकानें सारी ओपन हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप गाड़ियों की पार्किंग देख सकते हैं। मैं खाली एक आपको कम्प्लीट टूर नहीं दूँगा, क्योंकि मैं अभी वैसे ही यहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। और ये इस साइड पे जो है टावर ए है, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी अच्छी खासी फैमिली शिफ्ट हो गई हैं, अच्छे खासे लोग यहाँ पे रह रहे हैं। जो लोग कहते हैं बहरिया खाली हो गया, फैसला आपने खुद करना है यार, बहरिया कितना खाली हो गया। अभी आप लोगों के सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, अपना फ्यूल भी जला रहा हूँ गाड़ी पर, और आप जी। तो भाई साहब हम आ गए हैं प्रिसन 10A में, और ये एंट्रेंस है, यहाँ से भी हम इंटर हुए हैं। अभी आपको आइडिया होगा कि यार लोग जो है वो कितने रह रहे हैं, काफ़ी आबादी है। सामने कमर्शियल आ गया है प्रिसन 10A का, ये शॉपिंग गैलरी है, उसकी बैक साइड पे मस्जिद नज़र आ रही है आपको, और यहाँ से अभी हम लेफ्ट टर्न करेंगे। ये हैं जी प्रिसन 10A के विलास, अच्छा इधर आप लोगों को लाने का मकसद यार, ये देखें ये आइसक्रीम वाला भाई भी आया उधर, इधर लाने का मकसद कि यार फैमिलीज देखें, जो लोग कह रहे हैं ना कि केस के बाद जो है वो 21 जो लोग कह रहे हैं कि यार खाली हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, ये आपके सामने भाई ये सारी पार्किंग, विलाज के बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं, सारी फैमिलीज रह रही वैसे की वैसी। अभी हम चलेंगे स्ट्रीट 21 में, क्योंकि हमारे पास इसमें एक बैंगलो है, एक विला है जो हमने रेंट पे देना है, वो भी आपको दिखा देंगे। अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपके सामने है भाई, बाकी फ़ैसला आपने करना है। ग्रीनरी हर तरफ, बड़े बेहतरीन किस्म के लोगों ने गार्डन तैयार किए हुए हैं,
बच्चे वगैरह स्कूल से खेल रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इधर यही तो मज़ा है बैरियर टाउन कराची में, स्ट्रीट्स में जैसे मर्जी बच्चे आपके खेलते रहें। और इस स्ट्रीट में तो कुछ ज़्यादा ही बच्चे लग रहे हैं मुझे वो सामने देखे ना, सामने भी काफ़ी रश है। चलिए हम आ चुके हैं अपने विला पे, और ये इसका कार पोच एरिया है, और ये साइड वाली इसकी गली है जो पीछे वाशिंग एरिया और सर्वन क्वार्टर वगैरह वाली साइड पे जाती है। और अभी विला के अंदर चलते हैं, और ये आप देख सकते हैं ये रहायश यहाँ पे फुल है, बच्चे बच्चे खेल रहे हैं सारे। ये जी विला के अंदर आ गए हम। अच्छा थोड़ा मैं जो है इसको 0.5 भी करता हूँ ताकि आपको अच्छे से विला जो है वो समझ आ जाए। अच्छा इंटर होते ही ये देखें जी व्यू है विला का, काम सारे हुए हुए हैं विला के, सिर्फ एक सफाई रहती है वो मैं वाश करवा के दूंगा, जो भी फैमिली लेगी उसका इश्यू नहीं है। और ये सिटिंग एरिया है, और ये इसका ड्राइंग रूम है। अच्छा ये यहाँ पे आप सेपरेट डोर भी लगा सकते हैं, इसको भी सेपरेट कर सकते हैं अपने ड्राइंग रूम को डोर लगा के, और यहाँ पे आप जो है वो पार्टीशन दे सकते हैं। मैंने आरएडी एक अपने चैनल पे एक टूर करवाया हुआ है एक वीडियो में, जिसमें डिटेल टूर है 10 एकड़ विला का, जिसमें रूम्स के साइजेस वगैरह भी सारे सब कुछ मैंने बताया हुआ है, और ये एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। अच्छा ये एक कमरा है, ठीक है, ये अटैच कवर्स हैं, ठीक है, और ये इसका अटैच वाशरूम है। सारे काम हुए हुए हैं, सिर्फ आपने आना है और शिफ्ट होना है। और ये इसका किचन है, दो सौ गज के विला का किचन जो है ना वो काफी बड़ा है, ओवन वगैरह, कुकिंग रेंज, चिमनी लगी हुई है, लाइट्स वगैरह भी ऑन है। अच्छा ये इसकी स्टेयर्स हैं, अभी हम ऊपर चलते हैं। तो जो लोग कह रहे हैं यार बैरियर टाउन खाली हो गया, बैरियर टाउन खाली हो गया, हमें तो नज़र नहीं आ रहा बैरियर टाउन कहाँ से खाली हो गया। मैं कल भी विज़िट करवाने आया था, आज भी विज़िट करवाने आया हूँ विला का, मतलब लोग आ रहे हैं कराची शहर से, लोग आ रहे हैं विज़िट करने के लिए, जो लोग रेंट में शिफ्ट हो रहे हैं या अपना दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये ऊपर आते ही ये किसका ये वाला टीवी लाउंज है, ऊपर आते ही, और ऊपर दो कमरे हैं, नीचे एक कमरा है, ये इसका टीवी लाउंज है। और यहाँ से आपका बाहर जो है वो टेरेस का रास्ता है, इसका डबल टेरेस है, ये भी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। आगे आ जाएं तो आगे इसका ये स्टोर रूम है, ठीक है, और एक रूम जो है ना वो ऊपर वाला ये है, एक रूम ये है, और साथ इसके जो है वो अटैच वाशरूम, ये इसके साथ अटैच वाशरूम है, और इसके अंदर ही जो है वो वाशरूम के अंदर अटैच कबर्ड्स हैं। अभी चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम के अंदर, ये है जी इसका थर्ड बेडरूम। और ये इसका अटैच वाशरूम, अभी चलते हैं आपको बाहर से इसके इसका डबल टेरेस जो है ना वो दिखाता हूँ, जहाँ पे आप बैठ के इंजॉय कर सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं अपने। अच्छा ये ग्रिल्स लगी हुई हैं इसमें, और ये ग्रिल्स आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। सॉरी पहले लॉक खोलूँ। ये इसका डबल टेरेस है, ये है जी इसका डबल टेरेस, एक टेरेस ये है और एक टेरेस ये है, डबल टेरेस है और बड़े टेरेस हैं। और ये इसके बाहर का व्यू है,
ये स्ट्रीट 21 का विला है, फुल आबाद है स्ट्रीट। फैमिली वगैरह यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रह रही हैं। ये रेंट पे हमारे पास अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद, मैं तो इधर वैसे ही आ रहा था, मैंने कहा एक आपको विला का ओवरव्यू भी दे दूं। वैसे ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे एक डिटेल टूर 10 विला का करवाया हुआ है, जिसमें जो है वो साइजेज वगैरह भी शामिल हैं रूम्स के सारे, ठीक है। तो कहने का मकसद कि यार जो लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के केस के बाद और NOC कैंसिल होने के बाद लोग वापस कराची शिफ्ट हो रहे हैं या इधर उधर मूव हो रहे हैं, तो वो एक नेगेटिव खाली प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं है। तो आपके सामने अभी मैं थोड़ा सा मज़ीद बाहर निकलूँगा, आप लोगों को एक मैं स्ट्रीट टूर भी बता दूँगा, ठीक है। तो ये था एक हमारा विला जो कि हमने रेंट पे देना है प्रेजेंट 10A में, और लोग यहाँ पे रह रहे हैं, बल्कि लोग आ भी रहे हैं, तो इस तरह की कोई बात नहीं है कि यार खाली हो गया बैरिया तो ये वो खाली, ऐसी अफवाहें। ये है जी बैरिया का मरी पॉइंट, रश चेक करें आप यार, ये पिकनिक पॉइंट है, आज संडे है और पता नहीं कहां कहां से लोग आए हुए हैं। और ये स्पार्टर हैवी बाइकें लेके तैयार हैं, लगता है रेस लगाने लगे हैं। क्या बात है यार, ये है जी बैरिया टाउन कराची। और आप कह रहे हैं कि बैरिया खाली हो गया, यार ये प्रिसन 11 से देखें विगो डाले तो पता नहीं क्या क्या गाड़ियाँ ही गाड़ी पे गाड़ी चढ़ी हुई यार गाड़ियाँ। ये देखें, आप कह रहे हैं कि बैरिया खाली हो गया, यार हम सर गाड़ी ध्यान से चला तो आपको हमने बता दिया है, दिखा दिया है, सामने प्रिसन 10A है और स्ट्रीट टूर भी करवा दिया है। आपको आइडिया हो गया होगा कि कितनी फैमिली यहाँ पर रह रही हैं बैरिया टाउन में प्रिसन 10A में। और ये पीछे मरी पॉइंट था, तो इतना टाइम नहीं था, हमने कहीं जाना नहीं तो वहाँ पे भी रुके, उसका फिर बाद में कभी हम व्लॉग बना के आपको दिखाएंगे कि मरी पॉइंट एक्चुअली है क्या चीज़ और ये कैसे वजूद में कैसे वजूद में आया था। चलिए 10A का आपने स्ट्रीट टूर भी किया और मैंने आपको जो विला रेंट पे देना था उसका अंदर से भी टूर करवा दिया। अगर आपको चाहिए हो तो मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। 10A में अभी जो रेंट चल रहा है वो 35,000 प्लस माइनस है, अगर अच्छी लोकेशन का कोई कॉर्नर मिला है तो 38,000-40,000 तक भी है, लेकिन 35,000 की ब्रैकेट में जो है ना वो रेंट चल रहा है। और इसके बाद अगर मैं सेल की बात करूं वैल्यू की, सेल वैल्यू की, तो इस टाइम पे जो है ना वो 170 से 175-180 की ब्रैकेट में जो है ना वो प्राइस स्टैंड कर रही है। 185-190 से अब थोड़ा जो है 5-7 लाख और मज़ीद प्राइस नीचे आई है। तो किसी भी किस्म की क्वेरी हो तो मेरे दिए गए नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।